पावर्स है बेसिकली आर ऑफ टू टाइप, जर्नल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जर्नल और एमरजेंसी। जर्नल पावर्स वो कब यूज करते हैं? जब कंट्री में नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन एमरजेंसी पावर्स वो कब यूज कर सकते हैं? जब कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है। अब कंट्री में कौन सी प्रॉब्लम आती है, इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कैसे डिसीजन लेंगे? वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेंगे, ये सारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमने अलग अलग आर्टिकल्स याद रखने हैं और उनके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कौन सी एमरजेंसी लगा सकते हैं वो हमने इसमें बताना। जनरल पावर्स हमने फोर पावर्स कर ली हुई, लेजिस्लेटिव पावर्स, देन फाइनेंशियल पावर्स, देन इलेक्टोरल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स। अब हम फिफ्थ कर रहे हैं एमरजेंसी पावर्स। इसमें सबसे पहले नेशनल एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, इसके लिए आपने आर्टिकल याद रखना है, इट इज आर्टिकल 352। ये आर्टिकल 352 है। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि आर्टिकल 352 में क्या लिखा गया है और उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो प्रेसिडेंट को ये गाइडलाइंस देता है। ठीक है, तो नेशनल एमरजेंसी बच्चे हमारी कंट्री में तब लगती है इफ देयर इज एक्सटर्नल अटैक, अगर हमारी कंट्री में एक्सटर्नल अटैक ठीक है होता है। तो ये हमारी कंट्री में फॉर एग्जाम्पल कब लगी थी, फॉर एग्जाम्पल एक तो याद रखो 1962 ड्यूरिंग चाइना अटैक, ठीक है, और एक पाकिस्तान ने जब हमारी कंट्री पर अटैक किया था 1971। पाकिस्तान अटैक, ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी कंट्री में प्रेसिडेंट को ये डाउट होता है या हो जाता है, अटैक हो जाता है, एक्सटर्नल अटैक, तो उस टाइम पूरी कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री के हेड के ऊपर होती है, जो उस टाइम में प्रेसिडेंट, जो तीनों फोर्सेस के हेड माने जाते हैं। ठीक है, तो नेशनल एमरजेंसी कैन बी इम्पोज बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एक्सटर्नल अटैक और वॉर, जब वॉर छिड़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन फंडामेंटल राइट्स, लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आपने ये बताना है इन दिस फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर सस्पेंडेड। अब मुझे ये बताओ बच्चे, अगर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होंगे, कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू मूव एनीवेयर, लेकिन नेशनल एमरजेंसी जब आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी कंट्री में डिक्लेयर हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड में लोगों के फंडामेंटल राइट्स अब जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जब तक नॉर्मल कंडीशन या वॉर खत्म नहीं होती या कंडीशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती। बताओ कि अगर प्रेजिडेंट ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? हाँ जी, एनीवन रेज योर हैंड। अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं किए जाएंगे तो क्या होगा नेशनल एमरजेंसी के टाइम पर, पीपल विल मूव हियर एंड देयर, व्हाट विल हैपन? हाँ जी, रेज योर हैंड, वेरी गुड, ट्राई टू गिव योर आंसर, बी एक्टिव लिसनर एंड बी स्पीक एक्टिव स्पीकर ऑल्सो, हरी अप, यस कीप योर माइक ऑन। हाँ जी धैर्य, कीप योर माइक ऑन बेटा, व्हाट इज द रीजन, माइक ऑन करो बच्चे, हरी अप, अदरवाइज आई विल रिमूव। हाँ जी, यस, why fundamental rights have been suspended during national emergency? what happened beta, awaaz nahi aa rahi aapko? Yes Divya, keep your mic on beta. Yes ma'am. Haan ji, धैर्य को क्या हुआ? हाँ जी, यस दिव्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई फंडामेंटल राइट शुड बी सस्पेंडेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, इफ इट इज नॉट व्हाट विल हैपन, क्या होगा?
मैम पीपल विल मूव हियर एंड देयर एंड दे माइट गेट इन ट्रबल. हाँ जी, तो एट दैट टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन इज इम्पॉर्टेंट. सो उस टाइम पीरियड में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, ताकि अपने घर में रहे और पुलिस और आर्मी जो है वो उनको प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके. ठीक है, तो ये मेन रीजन होता है. अगर फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे तो अगर लोगों को रोका जाएगा, लोग कहेंगे हाँ जी ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, दे विल यू कैन से फाइल, दे कैन फाइल कोर्ट केस आल्सो, वो केस कर सकते हैं. जैसे फंडामेंटल राइट जो है वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो दैट इज 352 आर्टिकल नेशनल एमरजेंसी. क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल आपने याद रखना है, दैट इज आर्टिकल 356. आर्टिकल 356 के अंडर लगती है स्टेट एमरजेंसी. स्टेट एमरजेंसी और आर्टिकल कौन सा है इसका, 356. दिस एमरजेंसी इज इम्पोज बाय द प्रेसिडेंट ओनली पर्टिकुलर स्टेट. ये स्टेट में लगती है और इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है. जैसे पंजाब, ठीक है, पंजाब में लगा स्टेट एमरजेंसी का मतलब होता है पंजाब में. ये कब लगती है, जब कंट्री में गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर होता है, ठीक है, इफ गवर्नर ऑफ द स्टेट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट. अगर किसी स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को ये रिटर्न फॉर्म में देते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 356. जब ऐसा होता है, जब कंट्री में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, उस केस में क्या होता है, कंट्री में विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, सीएम की पोस्ट खत्म हो जाती है और स्टेट को कौन कौन स्टेट को फिर जो है वो गवर्न करते हैं, गवर्नर. और गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो मिलकर स्टेट को प्रॉपर जो है वो कंट्रोल करते हैं. यानी कि गवर्नर उस स्टेट की सारी इंफॉर्मेशन भी प्रेसिडेंट को साइड बाय साइड देते हैं. कुछ देर के बाद जब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो फिर स्टेट में फिर से इलेक्शंस करवाए जाते हैं. या उस स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए किया जाता है. इसका मतलब है पूरी कंट्री में अगर एमरजेंसी लगानी है तो वो आर्टिकल 352, अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में लगती है तो आर्टिकल 356, जिसको प्रेजेंट रूल भी कहा जाता है. देन थर्ड इज फाइनेंशियल एमरजेंसी. फाइनेंशियल एमरजेंसी ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 360. दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 360. ठीक है, आर्टिकल 360 में है ये. इसका मतलब क्या है, जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या होता है, रुपी वैल्यू डाउन हो गई, कंट्री की रुपी वैल्यू डाउन हो गई, इंटरनेशनल मार्केट में कंट्री की रुपी वैल्यू इतनी ज्यादा डाउन हो गई है कि बिजनेस कर पाना या इकोनॉमिक एक्सचेंज या ट्रेड करना जो है दैट इज नॉट यू कैन से फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. ठीक है, या फिर कंट्री में इनस्टेबिलिटी है. इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है कि फाइनेंस जो है प्रॉपर, वो प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट के पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर जो है या जो भी उनका एक्सपेंडिचर है उस पर खर्च कर सके, है ना, या लोगों को सैलरीज या वट एवर जो भी है, गवर्नमेंट के पास इतनी मनी नहीं है. तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि गवर्नमेंट के पास मनी की कमी हो जाती है, तो उस केस में फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जा सकती है कंट्री में. कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 360. तो ये तीनों पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट की पावर्स है. जनरल पावर्स प्रेसिडेंट कैन यूज विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एमरजेंसी पावर जो है वो प्रेसिडेंट अपनी विल के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. नंबर वन, अगर उनको लगता है कंट्री में एक्सटर्नल अटैक, चाइना अटैक, पाकिस्तान अटैक के टाइम में ऐसा हुआ था, देन दे कैन इम्पोज एमरजेंसी इन द कंट्री. इसको बोलते हैं नेशनल एमरजेंसी. नंबर टू, स्टेट एमरजेंसी, ये पर्टिकुलर स्टेट में लगती है, उस स्टेट में प्रेजिडेंट रूल लग जाएगा. इसमें क्या चेंजेस होंगे, फिर विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगी, सीएम की पोस्ट खत्म हो जाएगी और कंट्री जो है वो किसके अंडर में होगी, गवर्नर के अंडर, गवर्नर कंट्रोल करेंगे उनको. ठीक है, देन इसके बाद फाइनेंशियल एमरजेंसी कब लगती है,
जब कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है कंट्री में रुपी वैल्यू डाउन हो गई है और इंटरनेशनल मार्केट में कंट्री की वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो ये सारी जो पावर्स है ये है प्रेजेंट की एमरजेंसी पावर्स। ये आपको अलग से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, या फिर ये पार्ट ऑफ का मतलब होता है टोटल आपने पावर्स बताने, जनरल पावर्स और एमरजेंसी पावर्स आपने इकट्ठी बतानी है अगर आपसे पूछते हैं विच आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सारी जो पावर्स हैं, ये प्रेसिडेंट की पावर्स हमने सारा ये लेजिस्लेचर में कवर किया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से करवाया था 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको करवाया ना बेटा, वो हमने क्या कवर किया है इसमें, नंबर 1 पॉलिटिकल ऑर्गन्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है, पार्लियामेंट के फंक्शंस हमने सारे पार्लियामेंट के फंक्शंस पढ़े, लोकसभा, राज्यसभा, हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट, बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है, देन विच इज मोर पावरफुल, लोकसभा या राज्यसभा में से कौन सा पावरफुल ज्यादा है वो पढ़ा, उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, बोथ जर्नल एंड एमरजेंसी पावर्स पढ़े हमने, ठीक है। अब बच्चे हम सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज एग्जीक्यूटिव। हमने अब सेकेंड पार्ट करना है, ये हमारा लेजिस्लेचर कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेजिस्लेचर में क्या है, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, दैट इज एग्जीक्यूटिव। क्लियर, हाँ जी। इसमें बच्चे हमने क्या पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 काउंसिल, ठीक है। अब सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर में आपने, इसमें आप बताओगे सेम पावर्स एंड फंक्शंस, लेकिन उसके लिए पहले आपने बताना है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कब बनते हैं, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। After लोकसभा elections, अगर आपको यह आए कि what do you know about the appointment of prime minister, तो after लोकसभा elections, जब लोकसभा के elections होते हैं, whichever political party gets highest votes या highest number of seats, जैसे at present 2019 में जब elections हुए थे country में लोकसभा के, ठीक है, उसमें बीजेपी पार्टी को सबसे मैक्सिमम वोट्स या सीट्स मिली, कितने में से, 343 में से। तो जो विनर का मतलब होता है ये मेजोरिटी पार्टी बनी, तो मेजोरिटी पार्टी के लीडर को दैट इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। और उनकी कंफर्मेशन, यानी कि प्रेसिडेंट की कंफर्मेशन के बाद जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के बाकी फंक्शंस फिर तब स्टार्ट होते हैं। क्लियर, अपॉइंटमेंट सिंपल है कि जो लोकसभा के कंडीशन है वही प्राइम मिनिस्टर की। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए, 25 इयर्स, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इतना ही होता है। बाकी लोकसभा का मेंबर बन, एमपी बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही है। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर पहले एमपी है, वो पहले एमपी बने, एमपी बनने के बाद वो अपनी पार्टी के लीडर भी हैं, ठीक है, और उस पार्टी के लीडर जो है दैट इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर प्रेसिडेंट उनको जो जो ऑर्डर देते हैं या जो जो काम कहते हैं वो आगे करते हैं, वो हो गई उनकी पावर्स एंड फंक्शंस। क्लियर, अब नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रिपेयर करना।
अपने मिनिस्टर्स जो हैं, अपने मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स देना, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी का ही हमने फर्स्ट फंक्शन बना देना, ये प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं हम, तो ये आएगा नंबर वन, फर्स्ट फंक्शन क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाते हैं। ही प्रिपेयर द लिस्ट बनाते हैं, कौन सी लिस्ट, ऑफ मिनिस्टर्स, कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये लिस्ट जो है वो आगे किसको फॉरवर्ड करते हैं, प्रेसिडेंट को। ये आपने सारा प्रॉपर लाइंस में लिखना, मैं आपको हिंट्स बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ही प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड डिवाइड द डिपार्टमेंट्स एंड आफ्टर दैट लिस्ट जो है वो किसके पास जाती है, प्रेसिडेंट के पास। देन प्रेसिडेंट उस पर क्या करते हैं, फाइनल अप्रूवल देते हैं, ठीक है। कई बार अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि 3-4 months के बाद कोई मिनिस्टर जो है वो उस डिपार्टमेंट को प्रॉपरली नहीं अच्छी तरह से जो है वो देख रहे हैं, तो कई बार प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से उनको रीशफल भी कर सकते हैं। रीशफल द लिस्ट का मतलब होता है वो डिपार्टमेंट होल्डर्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे आज, मतलब जितना आज तक आपने जब भी कभी लोकसभा के सेशन देखा होगा तो उसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 545, इसमें से ठीक है, 545 में से ठीक है 2 होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, 1 इज पीएम, ठीक है। अब देखा जाए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक होगी ऑपोजिशन, एक तरफ है ऑपोजिशन और एक तरफ है रूलिंग पार्टी, तो मिनिस्टर्स जो है वो हमेशा किसमें से बनेंगे, रूलिंग पार्टी से बनेंगे। मिनिस्टर्स जो है वो हमेशा रूलिंग पार्टी से बनते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना, जो मिनिस्टर्स हैं ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी से बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर अपनी ही जो 303 यानी कि 303 मैंने बताई है सीट्स बताई थी, उन्हीं में से मिनिस्टर्स बनेंगे ना। तो कई बार क्या होता है, अगर कोई मिनिस्टर प्रॉपर अपने डिपार्टमेंट को नहीं देख रहे हैं तो वो रीशफल भी कर सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की विल के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी ऑथ सेरेमनी होती है। ऑथ सेरेमनी का मतलब 5 years के लिए उनकी टर्म है और उसके बाद वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर जो है वो हम कहते हैं कि जो जो भी उनकी वर्किंग है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो सारा तैयार करवाते हैं, क्लियर। अब इसमें आपने क्या बताना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है ना, जो मिनिस्टर्स की लिस्ट है, ठीक है, इसमें बच्चे अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। कुछ मिनिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ मिनिस्टर्स इतने अलग डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमारी कंट्री में कितने ही डिपार्टमेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, अगर मैं ये कहूँ कि डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो हैं उन मिनिस्टर्स को क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो सेकंड क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना, जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स में इसमें कितने ही मिनिस्टर्स हैं लेकिन इन मिनिस्टर्स में से 15 to 20 जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। और कैबिनेट मीटिंग कई बार आपने मीडिया में सुना होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं मतलब अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि कंट्री में जब भी कोई मेजर प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर इन मिनिस्टर्स को पहले बुलाते हैं, इनके साथ पहले डिस्कशन की जाती है। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री के डिपार्टमेंट है उनके मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ही प्रिजाइड ओवर का मतलब क्या होता है, वो मीटिंग सारी बुलाते हैं, प्रिजाइड ओवर
प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट एंड मीटिंग में कुछ भी जो भी डिसीजन लिए गए, जो भी वो मतलब मीटिंग्स जिनके रिगार्डिंग होती है वो सारा किसको इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट। कंट्री में कुछ भी हो रहा है जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, कैबिनेट डिसीजन लिए हैं, वो एक बार प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाते हैं। प्रेसिडेंट के पास जो भी डिसीजन है उनको भेजा जाता है। तो चेयरमैन ऑफ कैबिनेट ये मेन होता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले वो मिनिस्टर्स की लिस्ट बनवाते हैं। सभी मिनिस्टर्स में से कुछ होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनको प्रिजाइड ओवर करते हैं और प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ये तो हो गया इनका अपनी कैबिनेट से रिलेटेड। अब ये डिपार्टमेंट का मेन काम है एग्जीक्यूट करना। लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, मैंने आपको बताया कि हाउ अ बिल बिकम अ एक्ट, लॉ बन गया। इनका मेन काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट द लॉज। इम्प्लीमेंट करना, प्राइम मिनिस्टर ये श्योर करेगा कि हर मिनिस्टर जो लॉ बनाया गया है अगर उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें, लोगों को बताएं, ताकि उनके रिलेटेड जो भी जो एक्शंस हैं या जो भी उनकी प्रोसीजर है उसको प्रॉपर जो है वो कंप्लीट करवाते हैं। देन थर्ड फिर हम थर्ड हमने क्या बताना, दैट प्रेसिडेंट इज साइड बाय साइड द लीडर ऑफ लोकसभा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द लीडर ऑफ लोकसभा। नो डाउट वो कैबिनेट को तो होस्ट करते ही हैं, अपने मिनिस्टर्स को तो करते ही हैं, लेकिन आपने उनको लोकसभा में बैठे देखा है। नंबर थ्री, लीडर ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के लीडर होते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी लीड कर रहे हैं। अगर एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 303 सीट्स जो है वो बीजेपी की थी, है ना, तो बीजेपी के लीडर मिस्टर नरेंद्र मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब क्या करते हैं वो लीडर ऑफ लोकसभा। लीडर ऑफ लोकसभा का मतलब है कि लोकसभा में कोई भी बिल जो है पास करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, उनकी पावर्स क्या है? देयर पावर्स आर रिगार्डिंग पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल और बजट। ठीक है, उनकी पावर्स क्या है? वो बिल पास करवाते, पास करवाना मतलब वोटिंग जो होती है उसमें। सपोज अगर किसी भी जो है वो बिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो लोकसभा में प्रॉपर डिस्कशन और डिबेट किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट फिर हमने क्या बताना है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स या लोकसभा के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि लोकसभा के अंदर वो मेन एक लीडर ऑफ लोकसभा है, तो लोकसभा के अंदर अलग अलग जो कमेटीज बनी है या जो भी, उनको हर एक बिल की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि कोई भी बिल बिना प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज के पास नहीं होगा। मैंने आपको बताया था हाउ अ बिल बिकम्स अ एक्ट में सेकंड स्टेज में अलग अलग कमेटीज बना दी जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा में आना, रोज आना बहुत जरूरी है जब सेशन होता है, क्योंकि उनको हर बिल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और इस तरह से जितने भी उस बिल से रिलेटेड कमेटीज बनाई जाती हैं उनका वो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में उनका प्रॉपर चेक करते हैं कि किस तरह से वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिव्यू है, अगर कोई बिल पास होता है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ये सारा उनको पता होता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के बारे में जो भी लोकसभा में होता है ये किसको इन्फॉर्मेशन देते हैं? इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। इन्फॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, लोकसभा में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनके बारे में वो प्रेसिडेंट को साइड बाय साइड बताते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, वो प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट लोकसभा में नहीं आते लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट को साथ में अपडेट रखते हैं कि वो उनके कौन कौन से जो है वो डिसीजंस लिए गए। देन फिर हमने बताना है चीफ एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो है जो भी उनकी पावर्स हैं उन सभी पावर्स में प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, तो ये भी फंक्शन हो गया, ये भी एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट चीफ एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एडवाइजर। इसमें आपने क्या बताना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पावर्स है प्रेसिडेंट की, है ना, रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, तो ये वही लाइन रिपीट कर दो
कि प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑन द डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स. कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स वो सारी आप बता दो. कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं वो सारा इसमें रिपीट कर दोगे आप. किस किस की. नंबर वन सपोज आपने इसमें बताना है सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है. देन गवर्नर्स, देन एम्बेसडर्स. ये सारा वही बता सकते हो आप. यानी कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं आप इसमें बता सकते हो दैट प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स. दे कैन गिव एडवाइस ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी, इलेक्शन कमीशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑल द गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड एम्बेसडर्स. एम्बेसडर्स कौन होते हैं. हमारी कंट्री की अलग अलग एम्बेसीज हैं. कैनेडा में है, न्यूजीलैंड में है, अमेरिका, कहाँ जहाँ पे भी है वहां पे एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जाते हैं. तो उनको अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. ठीक है. देन फिर नेक्स्ट फंक्शन. प्रेसिडेंट इज द लीडर ऑफ नेशन. ही इज द लीडर ऑफ नेशन. जितने भी आपने हमेशा सुना होगा टेलीविजन पे प्राइम मिनिस्टर ज्यादा जो है वो स्पीचेस देते हैं हमें ना. आजकल तो आप परीक्षा पे चर्चा है ना, तो ये भी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है. ठीक है. तो दो बच्चे रह गए मेरी क्लास में जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं आए हैं. परीक्षा पे चर्चा पीपीसी काइंड ऑफ इनिशिएटिव है ना. इसमें आप देखते हो कि प्राइम मन की बात तो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं. लीडर ऑफ द नेशन का मतलब होता है पीपल आर ऑलवेज ईगर टू लिसन अबाउट द पॉलिसीज. कि वो कौन सी नई पॉलिसीज या लॉज जो है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है उन डिसीजंस को पब्लिक तक पहुंचाने का मेन जो है वो, जिसमें कहते हैं कि जो एक मेन पर्सन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर. जितनी भी पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, आपने देखा होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की आज रात 12 बजे करंसी है ना, तो वो एक तरह से एक पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर. तो पीपल आर ऑलवेज ईगर. अब 15 अगस्त जब होता है इंडिपेंडेंस डे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं, बहुत से लोग जो है उनकी स्पीच को सुनते हैं जिनको ये लगता है कि गवर्नमेंट अब नया क्या प्लान कर रही है, तो वो उनका एक एजेंडा होता है कि वो आगे गवर्नमेंट क्या करेगी, है ना. तो पीपल आर ऑलवेज ईगर टू लिसन अबाउट द पॉलिसीज एंड लॉज, जो भी लॉज है पास बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ मेन स्पोक्समैन. स्पोक्समैन का मतलब क्या होता है, वो मेन स्पीकर होते हैं जो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं. आप देखोगे हर रोज टेलीविजन में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है. तो प्राइम मिनिस्टर एक तरह से किसके बीच में एक लिंक है. लिंक किसके बीच में लिंक है, लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट. ठीक है. यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक लिंक का काम करते हैं बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट. वो लोगों के सुनकर गवर्नमेंट, यानी कि जो काम, जो लॉज हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं. और रिसेंटली आपने देखा कि जब फार्म्स एक्ट जो है वो रिपील हो गया था, तो वो अनाउंसमेंट भी किसने करवाई थी, प्राइम मिनिस्टर. या मेजर जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं या डिसीजन होते हैं, तो वो आपको किनके थ्रू मेन पता लगता है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के द्वारा. ठीक है. तो ही इज द लीडर ऑफ नेशन. नेशन ने उनको चुनकर भेजा है, तो इसलिए ही इज डायरेक्टली आंसरेबल. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आंसरेबल है, डायरेक्टली आंसरेबल टू द पीपल. क्लियर. टिल नाउ व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड, एनी प्रॉब्लम? नो.